और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनावी नतीजों से जुड़ी हुई। सपा के गढ़ में बीजेपी ने बजाया है अपना डंका। मैनपुरी में दो सीटों पर बीजेपी ने बनाई बंपर बढ़त। 2017 में मात्र एक सीट जीती थी मैनपुरी में बीजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी ने दो सीटों को झटक लिया है। मैनपुरी सदर सीट पर सपा को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। गोगांव सीट पर कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। मैनपुरी सदर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह भी लगातार आगे चल रहे हैं। दो बार के सपा विधायक राजू यादव जयवीर सिंह से पीछे दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव मैनपुरी सदर सीट से दो बार सपा के टिकट पर जीत चुके हैं, लेकिन इस बार राजू यादव पर हार का खतरा मंडरा रहा है और बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। और जब से रुझान आने शुरू हुए तब से उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री भोगांव विधानसभा सीट से दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और राम नरेश अग्निहोत्री ने बंपर बढ़त बनाई हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सपा के गढ़ में बीजेपी डंका बजा रही है और मैनपुरी में दो विधानसभा सीटों पर बंपर बढ़त बीजेपी ने बना ली है। 2017 में मात्र एक सीट बीजेपी को मिली थी, वो थी भोगांव विधानसभा सीट, और भोगांव से विधायक राम नरेश अग्निहोत्री को आबकारी मंत्री का दर्जा दिया गया योगी कैबिनेट में, और अब दो सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। एक तो भोगांव और दूसरी मैनपुरी सदर विधानसभा सीट पर जयवीर सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव मैनपुरी सदर सीट से दो बार सपा के टिकट पर जीत चुके हैं, लेकिन इस बार राजू यादव पर हार का खतरा मंडरा रहा है और बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह लगातार आगे बने हुए हैं, और जब से रुझान आने शुरू हुए तब से उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री भोगांव विधानसभा सीट से दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और राम नरेश अग्निहोत्री ने बंपर बढ़त बनाई हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सपा के गढ़ में बीजेपी डंका बजा रही है और मैनपुरी में दो विधानसभा सीटों पर बंपर बढ़त बीजेपी ने बना ली है। 2017 में मात्र एक सीट बीजेपी को मिली थी, वो थी भोगांव विधानसभा सीट, और भोगांव से विधायक राम नरेश अग्निहोत्री को आबकारी मंत्री का दर्जा दिया गया योगी कैबिनेट में, और अब दो सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। एक तो भोगांव और दूसरी मैनपुरी सदर विधानसभा सीट पर जयवीर सिंह लगातार आगे बने हुए हैं।